नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र काडर के आईपीएस अधिकारी और पूर्व सीआईएसएफ डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। सीबीआई डायरेक्टर यानी कि सीबीआई चीफ की नियुक्ति एक कमेटी के द्वारा की जाती है, जिस कमेटी में भारत के प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इस समय आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना हैं और विपक्ष के नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैं। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति न्यूनतम 2 वर्ष के लिए की जाती है और ये नियम 1977 से लागू है। 1977 से पहले सीबीआई चीफ को कभी भी हटाया जा सकता था, लेकिन 1977 में विनीत नारायण केस के बाद इस नियम को बदलकर न्यूनतम 2 वर्ष कर दिया, ताकि सीबीआई डायरेक्टर बिना किसी दबाव के काम कर सके। अपने कार्यकाल के दौरान सीबीआई डायरेक्टर को 2.25 लाख यानी कि 2.25 लाख रुपये की सैलरी दी जाती है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ को आगे देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।